से वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 31 कैपेसिटर्स क्वेश्चन नंबर 19 अ 100 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इट इज कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पिकोफेरेड व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 पिकोफेरेड कैपेसिटर। ओके, तो अपने पास 100 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया 20 वोल्ट से और फिर इसको क्या कनेक्ट कहाँ कनेक्ट कर दिया 20 पिकोफेरेड जो अनचार्ज है, यानी इसके पास कोई चार्ज आ गया, ठीक है, किसके पास 100 के पास, और फिर इसे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो होगा, राइट। ओके, और फिर बोला है कि कनेक्ट करने में चार्ज फ्लो होने के बाद इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने को फाइंड करना है, किसके पास 100 पिकोफेरेड के पास। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 100 पिकोफेरेड को कितना चार्ज मिला, तो Q इज इक्वल टू ओपन लिखते हैं, Q इज इक्वल टू C इंटू V, C कितना है 100 और ये है 24, पिकोफेरेड को अपन 10 की पावर माइनस 12 लिख देते हैं, तो ये आ गया 2400 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम, या फिर बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो 2400 पिको कूलम चार्ज है, राइट। ओके, किसके पास 100 पिकोफेरेड के पास। अब जैसे ही इसको अनचार्ज से कनेक्ट करेंगे कुछ चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो होने के बाद मान लो कि 20 के पास चार्ज आता है Q2 और 100 के पास रह जाता है Q1, तो टोटल चार्ज तो अपना Q था जो Q1 और Q2 में रह गया, राइट। तो अपन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बोल सकते हैं, Q1 किसके पास है 100 के पास और Q2 किसके पास है 20 के पास। ओके, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, यानी चार्ज फ्लो करेगा जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C, यानी Q1/C1 और ये Q2/C2 इक्वल ना हो जाए। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं Q1/C1, C1 यानी 100 पिको यानी 10 की पावर माइनस 12 और ये कितना है Q2/20 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा देखो 5 और ये आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ Q2, राइट। ओके, या फिर मैं लिख सकता हूँ Q2 इज इक्वल टू Q1/5, तो Q2 इज इक्वल टू क्या गया Q1/5, इस इक्वेशन में पुट करो, तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q1/5, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि 5 टाइम्स Q इज इक्वल टू 6 टाइम Q1, यानी Q1 इज इक्वल टू आ गया 5/6 Q, राइट। तो 5/6 ऑफ Q कितना है 2400 पिको कूलम, राइट, 2400 पिको कूलम, यानी ये आ जाएगा 200 और 0 क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पिको कूलम, राइट। ये कितना आ जाएगा Q1 चार्ज आ जाएगा, तो Q1 चार्ज आ गया। अब इस Q1 चार्ज है अपने पास और C1 भी है, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल अपन लिखते हैं V इज इक्वल टू Q/C, राइट, वी इज इक्वल टू Q/C और Q कितना है, Q है 2000 पिको कूलम यानी 10 की पावर माइनस 12 और C कितना है 100 पिको कूलम यानी 10 की पावर माइनस 12, तो -12 -12 कैंसिल, 20 कैंसिल आउट, यानी ये आंसर आया 20 वोल्ट, यानी 100 पिको कूलम के पास कितना पोटेंशियल होगा 20 वोल्ट।